जो स्टेट के प्रेसिडेंट है भारतीय भीम सेना के, मोमेंट ऑफ जस्टिस के जिम्मेदार है, नासिर दुरुस्तान साहब को हदिया पेश कर रहे हैं। आप तमाम का शुक्रिया मैं करता हूँ, खैर मुकदम करता हूँ, आपने जो काम किया है। नाम एडवोकेट सैयद सरफराज हाशमी है, मेरी तंजीम का नाम मोमेंट ऑफ जस्टिस है। हमारी तंजीम के कई मेम्बरान बीदर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद के पास आज अपनी तरफ से कुछ चंदा लेकर आए हैं, जो उस्ताद की कामयाबी के लिए हम देने आए हैं। मेरे साथ भारतीय भीम सेना के स्टेट के सिंधे साहब, सुरेश सिंधे साहब भी आए हुए हैं। हमारे सुरेश सिंधे साहब और हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि हमने 2014 से क़यादत के खला को महसूस किया है, और कहीं ना कहीं मूल निवासी जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो अपने आप को गैर महफूज और मजबूर महसूस कर रहे हैं। तो जब हम ये चंदे की मुहिम शुरू किए थे, यानी कि उस्ताद के पास जब ले जा रहे थे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक लेबर का काम करने वाले जो जिसकी एक दिन की मजदूरी 700 रुपये थी, उन्होंने हमें 500 रुपये ला कर दिया, जो प्लास्टर का काम करते थे। तो जब हमने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि उस्ताद जैसा लीडर ही होना है, क्योंकि अगर उस्ताद जैसे लीडर अगर होंगे तो मैं जो 700 कमा रहा हूँ वो कमा सकता हूँ महफूज तरीके से। तो ये मेरी गुजारिश है गुलबर्गा के लोगों से, अवाम से, कि मुस्लिम और दलित लोगों के लिए गुलबर्गा से अगर उस्ताद का जीतना, ये गुलबर्गा से सौगात होगी, सिर्फ गुलबर्गा शहर के लिए नहीं, गुलबर्गा डिवीज़न के लिए नहीं, पूरे कर्नाटक के मुसलमान और दलितों के लिए। तो मेरी एक और बार अदबन गुजारिश है, हमने क़यादत को महसूस की है, हमने क़यादत के नाम पर चापलूसों को देखा है। वो क़यादत जो सिद्धरमैया के चेहरे में खुदा दिखती बोली, हमने वो कहा। जब हमारे मसले मसाइल की बात चल रही थी तभी भी क़यादत जो है नाचने और गाने में बिजी थी। वो क़यादत सिद्धरमैया से दूर होना खुदा से दूर होने के बराबर बता रही थी। वो क़यादत जब हमारी बच्चियों पे पाबंदियां लग रही थी आवानों में, तो तभी भी वो क़यादत खामोश थी। वो क़यादत जब मुस्लिम बच्चों का स्कॉलरशिप छीना गया, तभी भी वो क़यादत खामोश थी। जब 4% रिजर्वेशन की बात चली, तभी भी वो क़यादत खामोश थी। आज जो क़यादत के नाम पर मुसलमानों को वरगलाने की और बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता दल का साथ देना बीजेपी को जिताने के बराबर, दरअसल कांग्रेस खुद जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारों पे काम करने वाली है। मिशन क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कांग्रेस किस काम पे काम कर रही है। और अगर मेराजुद्दीन पटेल, सैयद जुल्फ़िकार हाशमी या कमरुल इस्लाम की क़यादत के उस हिस्से को, जो खला है उस हिस्से को अगर पूर करना है, तो मैं यकीन मानिए मैं बड़े दावे के साथ कर रहा हूँ, नासिर उस्ताद की शक्ल से ज़्यादा बेहतर, उनके नाम से बेहतर कोई उस जगह को पूर नहीं कर सकता। मेरी और बार अदबन गुजारिश गुलबर्गा की अवाम से कि हमारी बात को समझिए, हम क़यादत के लिए मजबूर हैं, हमने क़यादत को महसूस किया है। हमारी गुजारिश है, हमारी अदबन गुजारिश है कि आप हमारी बात को समझें और नासिर हुसैन उस्ताद को वोट दें। नासिर हुसैन उस्ताद का कामयाब होना कर्नाटक के तमाम दलित और मुसलमानों का कामयाब होना है। एक जबान अपने मुंह में रखने वाली क़यादत जो है हम असेंबली में भेजने की तैयारी करना है। नासिर हुसैन उस्ताद चाहे वो NRC हो, उस वक्त भी फ़ोन के ज़रिए हो, NRC में भी नासिर हुसैन उस्ताद ने, हमने सेक्युलर सिटीज़न फोरम बनाया था, जो बीदर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले NRC के खिलाफ जो मुहिम चली वो सेक्युलर सिटीज़न फोरम चली, और उसकी कहीं ना कहीं मदद नासिर हुसैन उस्ताद की तरफ से, गाइडेंस उनकी तरफ से थी। और उसके बाद चाहे हिजाब का मसला हो या फिर जब अलंद का मसला हो, अलंद के मसले में तो 28 लोगों को बीदर की जेल में क़ैद किया गया था, जिसमें एक खातून भी थी। उस्ताद के हम गाइडेंस पर, उस्ताद के कहने पर, हम लोगों ने महीने भर से ज़्यादा खाने का, कपड़ों का इंतज़ाम किया। उसके अलावा भी हमने उस्ताद का जज्बाती रिश्ता देखा अलंद के मजलूमों के साथ, और उनके जज्बाती रिश्ते और उनके जज्बाती बातों पर ही हम लोगों ने अपनी मेहनत, 30 दिन तक हमने पैसा और मेहनत लगाई, सिर्फ और सिर्फ उस्ताद के कहने पर और उस्ताद के बोलने पर, क्योंकि उस्ताद का जो रिश्ता था, जो जज्बाती रिश्ता था, उससे कहीं ना कहीं हमें भी बहुत कुछ सीखने के मिला कि कौम के बोलने से नहीं होता, कौम की तकलीफ़ को समझने से होता है, कौम के साथ रिश्ता बनाने से होता है। तो उस्ताद जो है हमारे हर इशूज़ पर, हर मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट हो, उस मोमेंट पे कहीं ना कहीं उस्ताद का साथ रहा है, उस्ताद का गाइडेंस रहा है। तो मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं गुलबर्गा शहर आया हूँ, उस्ताद जैसी शख्सियत यहाँ इलेक्शन लड़ रही है, और मैं उनके लिए, उनकी कामयाबी के लिए अपनी तरफ से, वो नंबर्स में शायद बहुत कम होगा लेकिन उसके पीछे जज्बात बहुत हैं। लईख टेलर हैं यहाँ पर, इन्होंने 3 दिन से अपना काम बंद रख कर उस्ताद के लिए काम कर रहे हैं, बीदर से आए हैं। हुज़ैफ हैं, बच्चा वो ड्राइवर है, रोज़ की 500 रुपये आमदनी छोड़ कर आया हुआ है। फरहान इंजीनियर है पेशे से, उनके घर में कई ज़रूरियात है, उसके बावजूद भी आज गुलबर्गा में है और पिछले 3 दिन से बिजी हैं, इसलिए कि
हम लोग इस चीज़ को बड़ा नहीं बता रहे, लेकिन हम उस्ताद को बड़ा मानते हैं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि एक ऐसा कायद हमारे बीच में है जो इलेक्शन लड़ रहा है। ये जमहूरियत में हम जिसको मानते हैं, जिस कायद को हम ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही हथियार है, वो वोट का है। वोट दीजिए गुलबर्गा के लोगों को, एक और बार गुजारिश, उस्ताद को वोट दीजिए, हमारी क़यादत को मजबूत करिए, हमारी जो लीडरलेस कौम है इसको एक लीडर मुहैया करिए, ज़ुबान जो रखती है उस लीडर को असम्बली में पहुँचाइए। मुझे बड़ी खुशी और फ़ख्र महसूस हो रही है कि हमारे बीदर के भाई मूवमेंट ऑफ जस्टिस के सदर एडवोकेट सरफराज हाशमी साहब और भीम आर्मी के सदर सिंधे साहब और उनकी तमाम टीम गुलबर्गा शहर में तकरीबन 3 दिन से बीदर के भाई मेरे इलेक्शन को जिताने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और काम कर रहे हैं। और बीदर के कई गरीब लोग मेरे जीत के लिए अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, शायद वो रकम कम हो मगर उसकी अहमियत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ये बरकत के पैसे हैं, ये मेहनत के पैसे हैं, इसके पीछे जो जज्बात लगे हैं, इसके पीछे जो एहसास लगा है कि मुझे सियासी जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाती है और मेरी ज़िंदगी का जो जद्दोजहद रहा है कहीं ना कहीं मुझे एक सुकून भी मुझे याद मिल रहा है। और जितने दिल से जितनी मोहब्बत के साथ ये लोग यहाँ पर आकर के काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि गुलबर्गा की नॉर्थ की गयूर अवाम वोटर्स भी इस इलेक्शन की अहमियत को समझ चुकी है। कोई नेगेटिव प्रोपोगंडा मिल्लत को, कौम को कमज़ोर करने वाली बातों को कान पे नहीं डाल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि गुलबर्गा शहर के इस इलेक्शन में एक नई तारीख लिखी जाएगी और जब भी ये तारीख लिखी जाएगी हमारे पड़ोसी भाइयों का, हमारे दलित भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का और खुसूसी तौर पर बीदर के इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी इस मोमेंट के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। जो सियासी उम्मीद, सियासी जज्बात सरफराज साहब ने, सिंधे साहब ने मुझ पर लगाए रखे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुबहाना ताला मुझसे वो काम लेगा। क्योंकि सियासत में 2 बार हारना फिर भी लोगों के दिलों में जगह बताना बनाना ये मिन्ना मिन जानिब अल्लाह ही हो सकता है। और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आए दिन गुलबर्गा शहर के तमाम जिम्मेदार, तमाम तंजीमें मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, अभी 10 दिन बाकी हैं, बहुत से और तंजीमें, बहुत से और लोग इस इलेक्शन की अहमियत को समझते हुए अपने आप को नासिर हुसैन उस्ताद समझकर अपनी मिली जिम्मेदारी समझकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने के लिए एक सिपाही की हैसियत से आगे बढ़ कर के 10 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को रीच होकर इंशाअल्लाह ताला जनता दल सेकुलर भारे वाली औरत को सीरियल नंबर 3 को वोट कराकर गुलबर्गा शहर के अंदर एक नई तारीख लिखी जाएगी, जनता दल को यहाँ से कामयाब किया जाए। मैं और एक बार आप तमाम लोगों के जज्बात, आपके ऐसा साथ, आप खुद गरीब हैं मगर आप अपनी कमाई का 3 दिन का 4 दिन का हिस्सा मुझे इस मोमेंट के लिए, वैसे मुझे तो आपके इस पैसे को नहीं लेना चाहिए, ज़रूरत नहीं है पैसे की, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि
जमजम का एक खतरा पानी दूसरे पानी के अंदर मिलकर जो पाक हो जाता है, आपकी गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत का, आपके जज्बात, ये जो छोटी सी रकम है वो रकम इंशाल्लाह हमारे तमाम लोगों की जो जज्बात है, हमारे जो अखराजात हैं, ज़्यादा चीज़ें, उसको जो है पाक और शफाफ करेगी और इंशाल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। मेरा नाम सुरेश सिंधे है, मैं भारतीय भीमसेना का स्टेट सदर हूँ और हाशमी साहब गुजर जाने के बाद हैदराबाद कर्नाटक एरिया में एक अच्छा नौजवान लीडर होना था, उस लीडर को वो कमी महसूस हो रहा था, वो कमी महसूसी के हम नासिर उस्ताद के इसमें देख रहे हैं, लिहाजा उसलिए हम उस्ताद को आप गुलबर्गा वाले जिताएंगे तो हैदराबाद कर्नाटक का दलित और मुस्लिम बैकवर्ड का एक अच्छा लीडर निकलेंगे, ये आशा करते हुए हम तला हाशमी साहब, सरफराज हाशमी साहब, गालिब हाशमी साहब, ये सब एक टीम कर लेके यहाँ पर आए हैं और रात और दिन और कुछ भी तन मन धन से हमार तंजीम के ओर से, मूवमेंट ऑफ जस्टिस के ओर से हम कभी भी आपके हेल्प में तैयार है बोलते हैं।